तो आप क्या करोगे कि सिर्फ जो ऊपर वाली कैप होती है वो आप अपने मिस्त्री को बोलोगे जो ऊपर वाली कैप होती है वो हटा के सिर्फ इसके नीचे जो कोयल होती है वो कोयल वो चेंज कर दे। तो दोस्तों कोयल चेंज करने के बाद में क्या होगा? हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डीजे संजय जोशी और हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिशियन संजय जोशी में आपका आज फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों लगभग 45 से 50 दिन हो गए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि मैं काफ़ी व्यस्त चल रहा था, लाइव प्रोग्राम लाइव शोज थे, दोस्तों नवरात्र भी थे तो काफ़ी बिजी था मैं। दोस्तों आपने जैसा कि मैंने आपसे पहले वादा किया था कि मैं एम्पलीफायर के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, तो ये वीडियो आपको एक या दो दिन बाद में मेरे चैनल पर मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिए दोस्तों, इसके बारे में सारी जानकारी दूंगा। और आपने जैसा कि आज थंबनेल देखा है तो मैंने इस स्पीकर के बारे में सारी जानकारी दी है कि आपके चलते प्रोग्राम के अंदर स्पीकर ख़राब हो जाता है या आप बार बार इस स्पीकर के जलने से परेशान हो तो आपको क्या करना चाहिए ताकि आपका स्पीकर नहीं जले, और इवन जल भी जाएगी तो आपको कितना पे करना चाहिए और इसका कारण क्या है, उसका निवारण क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, सारी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा। वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको सारी जानकारी इसी में मिलेगी। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। मैं इसी तरह डीजे के बारे में जानकारी देता रहता हूं और मैं बीकानेर राजस्थान से हूं। काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा था कि सर आप कहां से हो, तो मैं बीकानेर राजस्थान से हूं। अगर आप जहां से भी वीडियो देख रहे हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आप मेरा वीडियो कहां से देख रहे हो, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे जो सब्सक्राइबर है वो कहां कहां से वीडियो देखते हैं। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका स्पीकर बार बार जलता क्यों है। तो दोस्तों मैं इसके पीछे छोटा सा आपको एक रीज़न बता देता हूँ कि जैसे कि आपके पास 250 वाट का एम्पलीफायर है या 500 वाट का एम्पलीफायर है या 700 वाट का एम्पलीफायर है या 1000 वाट का या इवन 1200 वाट या 1500 वाट, चाहे वो आहूजा कंपनी का है, चाहे वो स्ट्रेंजर का 500 वाट का पीबीटी 500 बूस्टर है, चाहे वो स्टूडियो मेकर कंपनी का है या वो कोई भी कंपनी का हो, दोस्तों अगर आप वो बस एम्पलीफायर अच्छी कंपनी का होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपके स्पीकर बार बार नहीं जले तो आपके पास अच्छी कंपनी का एक ब्रांडेड एम्पलीफायर होना चाहिए। दोस्तों अभी हम बात मॉस्फेट एम्पलीफायर की नहीं कर रहे, मॉस्फेट एम्पलीफायर का थोड़ा अलग रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, वो मैं आपको बता दूंगा वीडियो के अंदर, आप बने रहिए। दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि आपका स्पीकर जलता क्यों है, तो दोस्तों चाहे वो 12 इंची का स्पीकर 100 वाट का हो, चाहे 200 वाट का हो, चाहे 300 वाट का हो, या 15 इंची के टॉप हो, चाहे जो स्पीकर हो चाहे वो 300 वाट हो, 200 वाट हो, 400 वाट हो, 500 वाट हो, या फिर आपके पास 18 इंची के बेस हो चाहे 21 इंची के बेस हो, तो दोस्तों बात यह कि स्पीकर जलता क्यों है। तो दोस्तों सबसे पहले मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बता देता हूँ, आप भी मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके जो सबसे ज़्यादा स्पीकर वो जलते हैं, वो जलते हैं 12 इंची के, चाहे वो 100 वाट हो, चाहे वो 200 वाट हो, या फिर वो 15 इंची के 300 वाट या 400 वाट स्पीकर हो, ये सबसे ज़्यादा जलते हैं क्योंकि लापरवाही हम खुद बरतते हैं, हम ध्यान नहीं देते। दोस्तों अभी हम बात करें, जैसे मैंने आपको बताया 500 वाट और 1000 वाट या 700 वाट या 400 वाट या 1200 या 1500 वाट एम्पलीफायर के बारे में, तो दोस्तों अगर आपका जो एम्पलीफायर है वो इवन सपोज 500 वाट का है, चाहे हम 500 वाट का स्टैंडर्ड पीबीटी 500 एक ले लेते हैं, तो दोस्तों अगर हम उसके अंदर 100 वाट के 12 इंची का जो 100 वाट का स्पीकर होता है ये वाला, अगर ये स्पीकर हम उसके अंदर जैसे एक बक्से में दो स्पीकर होते हैं, तो अगर हम जैसे हमने दो बक्से लगाए तो चार स्पीकर हो गए, तो 12 इंची के चार स्पीकर कितने हो गए 400 वाट के। एक स्पीकर जो होता है वो अपने 8 ओम्स का होता है, तो चार स्पीकर कितने हो गए एक बक्से के अंदर दो, तो एक बक्सा हो गया अपना 4 ओम्स का, फिर एक बक्सा 4 ओम्स का, अगर हम उसको दोनों को साथ लगाएंगे तो वो 2 ओम्स का होगा। तो दोस्तों बात यह है कि जैसे हमने 500 वाट के एम्पलीफायर बूस्टर में 400 वाट का लोड दिया, तो दोस्तों क्या होता है कि जब ज़्यादा थोड़ा लाउड बजाते हैं हम या कोई लाइव प्रोग्राम में ज़्यादा लाउड खोलते हैं तो साथ में बेस भी आता है, चाहे वो ढोलक का बेस हो, चाहे वो तबले का बेस हो, तो स्पीकर का सबसे पहले जाने का कारण होता है बेस का, क्योंकि जितना बेस का इफेक्ट पड़ेगा उसके एम्पलीफायर के ऊपर, जो हम मिक्सर लगाते हैं, जो माइक्रोफोन लगाते हैं या डीजे बजाते हैं, तो बेस का इफेक्ट एम्पलीफायर में आएगा, तो एम्पलीफायर से कहाँ आएगा स्पीकर के अंदर आएगा, तो स्पीकर की कुछ लिमिटेशन होते हैं, वो वहाँ तक इसको सहन करता है। उसके बाद में जो उसके अंदर कोयल होती है, मैं वो आपको बता दूंगा कोयल कैसी होती है, और उसके बाद उसका निवारण भी बताऊंगा कि आपको कितना रुपए पे करना चाहिए और कितने तक में सही करवाना चाहिए। और तो दोस्तों बात यह है कि अगर वो ख़राब हो जाता है तो उसके पीछे यही रीज़न होता है कि आपको हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि आपको जितने वाट का आप एम्पलीफायर लगा रहे हो, मॉस्फेट एम्पलीफायर को छोड़ के, मॉस्फेट एम्पलीफायर का मैं आपको आगे बता दूंगा कि आपने इवन 500 वाट का बूस्टर के अंदर आपने जो स्ट्रेंजर का पीबीटी 500 एक आता उसके अंदर आपने सपोज चार स्पीकर लगाए 100 वाट के, जो दो बक्से, तो 400 वाट का लोड हो गया, तो 400 वाट का लोड होने का मतलब है कि रेयर चांस में तो आपके जाएंगे नहीं स्पीकर, बाकी काफ़ी महीने दो महीने चलने के बाद में स्पीकर धीरे धीरे वीक हो जाते हैं उसके अंदर कोयल, तो वो जल जाएंगे। तो इवन कभी कभी क्या होता है कि अगर आपका चार में से बक्से में से एक स्पीकर भी जल जाएगा तो उसके बाद में लोड जो उसके साथ वाला स्पीकर है उस पर पड़ेगा, तो ऐसे करके तीनों स्पीकर भी साथ में जल जाते हैं। तो दोस्तों बात यह है कि ये जल गए तो अपने को क्या करना चाहिए, तो अपने को यही करना चाहिए कि अगर आपने 500 वाट का एम्पलीफायर लगाया तो आपको उसके अंदर कम से कम
500 वाट का नहीं दे सको तो आपको कम से कम 600 वाट का लोड देना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 800 वाट का लोड देना चाहिए। 800 वाट से ज़्यादा का लोड आपको देना भी नहीं चाहिए। अगर आपके एम्पलीफायर में पंखा लगाए, फैन लगाए, तब आपको 800 वाट का लोड देना है। अगर आपका एम्पलीफायर जैसे आउजा के 400 वाट का, 250 वाट का, 700 वाट का है, तो आपको उसके अंदर इतना लोड नहीं देना। आपका जैसे एम्पलीफायर 400 वाट का है, जैसे आउजा का 400 वाट का एम्पलीफायर आता है, तो आपको उसके अंदर डबल डबल मतलब जो 200 वाट का एक बॉक्स आता है, वो बॉक्स आप आराम से लगा सकते हो। दोस्तों आपको क्या करना रहेगा कि जब आप अपने स्पीकर बॉक्स के अंदर वापस स्पीकर लगाते हो, जब आप उसको सही करवाते हो, तो आपके पास एक ऐसा बैटरी होना चाहिए जब आपके पास सेल भी हो। तो आपको क्या करना है कि आपको प्लस माइनस चेक करना है स्पीकर का। अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, और नहीं पता आपको तो आप मुझे उसका भी कमेंट कीजिए कि सर आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई हमको। तो दोस्तों आपको क्या करना रहेगा, जैसे आपके पास स्पीकर है जो आप स्पीकर बॉक्स के अंदर लगाओगे, तो आप यह देख लीजिए यहाँ पे स्पीकर के पीछे प्लस माइनस होता है, आप करीब से देख लीजिए। जब सही करवा के लाओगे तो यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा। तो प्लस माइनस में जो आपकी बैटरी होती है उसमें भी प्लस माइनस होता है, आप देख लीजिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। तो आपको प्लस माइनस वाली जगह पे अपनी बैटरी को लगा के देखना है कि कौन सा, जरूरी नहीं है कि जो प्लस लिखा हुआ वही प्लस हो। कभी कभी क्या होता है, स्पीकर सही करवाने के बाद में माइनस वाला प्लस हो जाता है और प्लस वाला माइनस हो जाता है और माइनस वाला प्लस हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो इसलिए आपको बैटरी से चेक करना है, फिर अपने स्पीकर के अंदर लगाना है और दोनों स्पीकर को तार एक जैसे लगाने चेक करके फिर उसका कनेक्शन करना है एम्पलीफायर के साथ में। तो इसमें क्या करना रहेगा, आपको मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, जो प्लस रियल होगा प्लस और माइनस वो हम लगाएंगे, तो अगर प्लस सही होगा बैटरी का और स्पीकर का, तो स्पीकर अपना ऊपर आएगा, हम चेक कर लेंगे कि हमारा प्लस कौन सा है, जो लिखा वही है या दूसरा है, और जो माइनस होगा उसका भी देख लेंगे। तो अभी देखो प्लस यहाँ पे है और मैं यहाँ पे प्लस लगा रहा हूँ, इस तरफ प्लस है और मैं भी इस तरफ प्लस, दोनों में लगा रहा हूँ और देखते हैं स्पीकर ऊपर आ रहा है या नीचे जा रहा है पहले। तो दोस्तों आप देख सकते हो ऊपर से स्पीकर पहले नीचे जा रहा है, पहले नीचे गया फिर ऊपर आया, फिर पहले नीचे गया फिर ऊपर आया। तो इसका मतलब ये है कि इसका कनेक्शन उल्टा है। अभी जैसे मैंने आपको बताया हमने प्लस प्लस लगाया फिर भी स्पीकर, तो अपने को समझ में आ गया कि जो इसका प्लस है वो माइनस है और जो माइनस है वो प्लस है। तो दोस्तों आप लिखने के ऊपर मत जाइए, आप उसको चेक करिए फिर स्पीकर के अंदर लगाइए। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपका स्पीकर बार बार जलता रहेगा, क्योंकि प्लस माइनस सही नहीं होंगे तो स्पीकर अंदर की तरफ जाएगा और अंदर की तरफ जाएगा जब स्पीकर बजेगा तो ख़राब होना ही है, वो स्पीकर जलना ही है, इसलिए आप उससे बार बार परेशान होते हो। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि जैसे इधर प्लस है और ये बैटरी का प्लस है, वो तो स्पीकर नीचे जा रहा था। अब हम उसको बैटरी को घुमा लेंगे, मतलब प्लस ये माइनस वाला प्लस की तरफ कर देंगे, तो अब देखते हैं अपना स्पीकर ऊपर आता है या नीचे जाता है। तो आप देख सकते हो अपना स्पीकर पहले ऊपर आ रहा है फिर नीचे जा रहा है, पहले ऊपर आ रहा है फिर नीचे जा रहा है। इसका मतलब हमको समझ में आ गया जो अपना प्लस है वो ये है, और अगर हम स्पीकर को घुमा लेंगे ऐसे तो समझ में आ गया अपने को कि जो माइनस है वो प्लस है। तो अपने को क्या करना है, जो अपना मेन एम्पलीफायर का जो प्लस वाला तार है, जो हम स्पीकर में कनेक्शन करते हैं, जो हमारा अंदर बॉक्स के अंदर वायर है, तो वहाँ पे हम माइनस के अंदर प्लस लगाएंगे। ये मेरा स्पीकर के अकॉर्डिंग बताया, आपको बैटरी से ऐसे चेक करना पड़ेगा पहले कि कौन सा माइनस है कौन सा प्लस है। वो आपको ऐसे इसी तरह चेक होगा जब आप हमें स्पीकर के साथ बैटरी लगा के देखोगे। अगर स्पीकर ऊपर आ रहा है तो वो वाला प्लस है और स्पीकर नीचे जा रहा है मतलब माइनस है। अगर लिखा हुआ प्लस है और बैटरी लगाई प्लस और स्पीकर ऊपर आ रहा है तो समझो वही प्लस है, और नहीं तो फिर आप बैटरी को घुमाइए और जो उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए कौन सा प्लस है और कौन सा माइनस है। इस तरह आपको अपने स्पीकर के अंदर कनेक्शन करना है, चाहे वो 12 इंची का 100 वाट है, 200 वाट है, चाहे 15 इंची का है, चाहे वो 18 इंची का है, कौन सा भी हो आपको ऐसा कनेक्शन करना रहेगा ताकि आपके स्पीकर बार बार नहीं जले। तो ये बात थी, तो ये तो समझ में आ गया स्पीकर क्यों चलता है। मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये भी रीज़न है, और दूसरा अगर आप ज़्यादा लाउड चलाते हो और आपका एक तो स्पीकर काफ़ी टाइम पुराना भी हो जाए तो तभी उसके साथ वो धीरे धीरे वीक हो जाता है, वो जल जाता है। और एक रीज़न ये भी है जो अब मैंने अभी आपको पहले बताया कि आप स्पीकर एम्पलीफायर के अकॉर्डिंग स्पीकर लगाइए, जितने वाट का एम्पलीफायर है कम से कम उतना वाट से थोड़ा ऊपर ही स्पीकर लगाइए ताकि आपका स्पीकर नहीं जले। आप ट्राई करके देख लीजिए, आप मुझे कमेंट करके बताओगे सर आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई, क्योंकि मेरा इस काम के साथ पिछले 15 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैंने आपको एकदम सही बात बताई जो मेरा एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों ऐसा करने के बाद आप खुद देख लीजिएगा आप उसके स्पीकर जलने बहुत कम हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि आपको कितना पे करना चाहिए। तो दोस्तों बात यह कि एक तो स्पीकर अगर आपने जैसे आज नया नया आपने उसको सही करवाया या आपका नया नया स्पीकर जो पहली बार ख़राब हुआ है, तो दोस्तों मेरा आपसे ये कहना है कि अगर उसका पर्दा थोड़ी अच्छी कंडीशन में है, जैसे नया फ्रेश दिख रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप क्या करोगे कि सिर्फ जो ऊपर वाली कैप होती है वो आप अपने मिस्त्री को बोलोगे जो ऊपर वाली कैप होती है वो हटा के सिर्फ इसके नीचे जो कोयल होती है वो कोयल वो चेंज कर दे। तो दोस्तों कोयल चेंज करने के बाद में क्या होगा
कि आपके ज़्यादा रुपए भी नहीं लगेंगे मेरे हिसाब से पूरी फिटिंग में, और मतलब पूरा पर्दा वर्दा लगाने में, स्पेडर लगाने में ज़्यादा पे लेते हैं जो आपका मैकेनिक होगा स्पीकर वाला, और सिर्फ कोई लगाने में वो उसका हाफ रुपए लेगा। मतलब मेरे हिसाब से अगर 300 रुपए लेता है अगर एक स्पीकर के, तो वो हाफ लेगा, मतलब 150 रुपए लेगा। तो वो आपके सिटी के अंदर जो भी आपका मैकेनिक है उसके अकॉर्डिंग वो पैसे लेगा। हमारे जैसे मैं बीकानेर में तो वहाँ पे लगभग आप ये मान लो कि सिर्फ कोई लगाने के 100 या 150 रुपए लेते हैं, और पूरे स्पीकर की फिटिंग के 250 या 300 रुपए लेते हैं जो बाइंडिंग होती है स्पीकर की उसके अकॉर्डिंग। तो दोस्तों वो सब स्पीकर के अलग अलग है, 200 वाट का अलग है, 300 वाट का अलग है, 15 इंची का अलग है, 300 वाट 200 वाट 400 वाट 500 वाट सब की अलग अलग प्राइस है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपका स्पीकर अच्छी कंडीशन का है तो आप उसको अपने जो स्पीकर बाइंडिंग वाला है उसको ये बोलिए कि सर आप सिर्फ इसमें कोइल लगा दीजिए। दोस्तों ये तो बात वो 400 500 700 और 1000 वाट एम्पलीफायर के बारे में थी। दोस्तों मैं अब बात करते हैं मॉस्फेट एम्पलीफायर के बारे में। तो जो मॉस्फेट एम्पलीफायर होते हैं जो आपके पास चाहे कोई भी कंपनी का हो, वो कंपनी मैटर नहीं करती, बात मैटर करता है आपका ओम्स नॉलेज। अगर आपको हर एम्पलीफायर के बारे में जो आपके पास जो भी अवेलेबल हो, अगर आपको उसके साथ में जो इसका मेन्यू कार्ड आता है अगर आप उसको पढ़िए तो आपको समझ में आएगा कि ओम्स क्या होता है। अगर आपको ओम्स के बारे में जानकारी नहीं है तो आपका एम्पलीफायर भी ख़राब होता होगा और स्पीकर भी ख़राब होते होंगे। जो इसे अगर आपके पास कोई भी एम्पलीफायर चाहिए या दूसरा है, अगर आप उसमें अपने स्पीकर लगाते हो तो आप स्पीकर बार बार जल जाते होंगे या आपका एम्पलीफायर ख़राब हो जाता होगा। तो दोस्तों इसके ऊपर मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इस एम्पलीफायर के बारे में, तो उसके साथ मैं इसकी भी जानकारी दे दूंगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।